नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। आप सभी के प्रोटेस्ट का कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा दिखता हुआ मिल रहा है। हालांकि अभी ये नहीं कह सकते कि आपके लुभाने के लिए है या फिर आपको सही दिशा दिखाने के लिए है, बट मैं आपको इतना बोलूंगा कि आपके लिए कुछ तो बहुत पॉजिटिव हो रहा है। और कल रात से बैक टू बैक अगर हम आरआरबी की बात करें तो दो नोटिसेस आपके लिए दिए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस आपके लिए हैं। पहली नोटिस ये है कि आप सभी को एज रिलैक्सेशन मिल गया है, सबसे पहले तो उसकी बधाई। दूसरी जो हमारी डिमांड थी कि भाई जो वैकेंसी है वो इंक्रीज होनी चाहिए, उस पे वो ऐसा लग रहा है उनके कान पे जू नहीं रेंग रहा है और वो उसको बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। मतलब एएलपी की वैकेंसी इंक्रीज करने के लिए बिल्कुल भी वो मूड में नहीं है। हालांकि हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन इतना समझिए कि इन्होंने एक एडवांस नोटिस दे दिया है टेक्नीशियन का और टेक्नीशियन के पद हो सकता है ये बढ़ा के दे दे। मैं दोनों चीज दिखा रहा हूं, ये दोनों ही, एक तो आपका एडवांस नोटिस और एक आपका यहां पर देखिए कोरिगंडम टू पैरा 5 और 5.2 यहां पर सीएन 1/2024 मतलब एएलपी की पोस्ट है। तो पहले जो 2018 में आपकी वैकेंसी थी उसमें जो एज था वो 28 था मैक्सिमम। उसके बाद इन्होंने जब ये निकाला नोटिफिकेशन तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला 18 से 30, लेकिन उसे करिगंडम करते हुए इन्होंने क्या बोला कि अब एज लिमिट जो है वो 1/7/2024 तक 18 से 33 होना चाहिए। मतलब जो हमारी एक लॉजिकल डिमांड थी उस पे तो ये मान गए, एज रिलैक्सेशन दे दिए। अब इसका एक मुद्दा तो ये है कि बहुत सारे बच्चे चलो एलिजिबल हो गए, लेकिन अगर वैकेंसीज नहीं बढ़ेगी तो कंपटीशन भी बढ़ेगा, इस बात को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। फिर भी मैं आपसे बोलूंगा, एक तरफ तो भाई हम अपने लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, बट एक चीज आप लोग दिमाग में रखिएगा कि भाई तैयारी तो हमें करनी है, चाहे वो 5600 पद हो चाहे 5700 पद हो, नौकरी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब 5600-5700 पद के लिए हमें लड़ना है एएलपी के लिए, और टेक्नीशियन में जो मेरा अनुमान है लगभग 10,000 प्लस पद ये बात कर रहे हैं, तो 10,000 से प्लस पद टेक्नीशियन की आने वाली है। दोनों का सिलेबस सेम है, दोनों के लिए आप लगभग सेम एलिजिबिलिटी है। केवल एएलपी में आपका सीबीएटी का टेस्ट होता है, एक अलग से साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, बाकी दोनों चीजें क्या होती है सेम होती है। फिर भी ये नया बदलाव टेक्नीशियन में क्या करते हैं, जैसे स्लाइटली बदलाव इन्होंने क्या किया है एएलपी में किया है। स्टेज टू में आप देखोगे सीबीटी टू में तो अब इन्होंने जीएस को हटा दिया, 10 क्वेश्चन वहां पे केवल मैथ्स और साइंस और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग वही पार्ट रह गया है। तो ऐसे हो सकता है टेक्नीशियन में इन्होंने थोड़ा बहुत चेंज करें। हालांकि इसके बारे में आपको बता दूं कि 18 से 33 अब इसका हो गया है, यानी कि 5 साल का पिछले हिसाब से देखें तो 5 साल का गैप इन्होंने क्या कर दिया है, उसे फुलफिल कर दिया है कोविड के चलते। 28 से 33 में देखो तो 5 साल 18 में आया था और 2023 में 24 में आया है, तो 5 साल का यहां पे, तो अब हम यहां पे डिमांड एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए जो अपर एज लिमिट है वो 91 होना चाहिए, ओबीसी के लिए 98, सारी डेट 2-7 है ध्यान देना, और एससी एसटी के लिए 86 होना चाहिए। लोअर लिमिट जो है वो 2006 है, मतलब 2006 के बाद की पैदा नहीं होने चाहिए, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। बाकी सारी चीजें इसमें क्या है, बाकी सारी चीजें सेम है। ये 29/1/2024 को मेरे ख्याल से रात को 11:30-12 बजे नोटिस आई थी। एक नोटिस आपके लिए और आई है जो एडवांस नोटिस, उसको भी मैं यहां पे बता दूं और वो आपके लिए राहत भरी सांस है। तो अभी जो थोड़ा बहुत भी दिमाग में आपके चल रहा हो कि नहीं अब हम इसी में प्रोटेस्ट में लगे रहेंगे या जो भी होगा, वो सारी चीजें जरूरी है, हमें अपने हक की लड़ाई करनी है, लेकिन एक चीज ध्यान देना कि आपको अपनी तैयारी को भी प्राथमिकता देना है और तैयारी पे भी अभी से जुट जाइए। यहां पे आप देखोगे तो ये एडवांस नोटिस है, एडवांस नोटिस रिगार्डिंग सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस। मेरे ख्याल से आप लोगों ने बहुत सारे बच्चों ने इसे देख भी लिया और नहीं भी देखा हो तो मैं आपको ये बता दे रहा हूं, और ये बहुत जल्द आ जाएगी। यहां पे जैसे 20 जनवरी को इन्होंने एएलपी दिया है, एएलपी के साथ साथ आरआरबी आर करंटली इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग द रिलीज ऑफ अनदर सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस सीएन स्पेसिफिकली एम्ड एट द रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन। तो अब टेक्नीशियन की आ रही है लगभग 10,000 पद, और इन्होंने बातों बातों में अभी आपने एक पेपर कटिंग भी देखा होगा, वो भी मैं दिखा दूं कि ये 1.5 लाख वैकेंसीज की बात कर रहे हैं आरआरबी में ओवरऑल। ये मैं आपको दिखा दे रहा हूं, इन्होंने अगर यहां पे रेल मंत्री की बात करें अश्विनी वैष्णव जी की, तो इन्होंने साफ साफ बोला है कि 1.5 लाख पदों के लिए रोजगार प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, मतलब प्रक्रिया हो गई है, जिसमें से प्रथम इन्होंने लोको पायलट का दे दिया है, दूसरा ये टेक्नीशियन का देंगे, उसके बाद आपकी बारी आएगी आरआरबी ग्रुप डी की, और बाकी जो आपके पद होते हैं उनके लिए आपकी आएगी। तो तैयार रहिए, हो सकता है कि जब लोकसभा चुनाव आता है तब तब रेलवे की वैकेंसी आती है, ये तो आपको पता है, और इसी चुनावी माहौल में अगर आप में से सैकड़ों हजारों बच्चे कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाए तो शायद इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। हालांकि पद सभी के लिए है, आपको एक बात दिमाग में रखना चाहिए, हो सकता है मेरी बातें आप लोग को लगे कि नहीं सर आप ये कह रहे कि प्रोटेस्ट ना करो आप तैयारी करो, बेटा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रोटेस्ट ना करो तैयारी करो, मैं कह रहा हूं उसके साथ साथ आप ये देखते चलो, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप पढ़ाई करोगे तभी नौकरी लगेगी।
हो सकता है कि आप इस बात को ना समझो लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति समझ जाए। मेरी बातें बुरी लगे तो आप वेलकम है, जो भी आपको कहना है बिल्कुल कह सकते हो, बट जो जिनविन है वो आपके लिए मैं आपको बोलता हूं कि ये 5 साल बाद मौका है, आप अपनी तैयारी पे अभी से जुट जाइए। टीम परीक्षा प्लस इसके लिए बहुत बेहतरीन कोर्स भी लेके आई है, अभी मात्र 499 रुपए में आपको RRB ALB का जो है वो RRB ALB का आपको मिल जाएगा, कोर्स मिल जाएगा। साथ में ही आपका टेक्नीशियन भी इसी में ही सम्मिलित कर दिया जाएगा। इसकी जो आपकी क्लासेस हैं वो क्लासेस आपकी 5 फरवरी के बाद से प्रारंभ कर दी जाएंगी, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। और अभी ये रजिस्ट्रेशन मिनिमम प्राइस में चल रहा है, ये जैसे ही ओपन होता है मैं आपको दिखा दूंगा। कहां से आपको करना है तो आप परीक्षा प्लस ऐप पे जाके, है ना, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लो, वहां से आप जुड़ सकते हो, या फिर आप हमारी वेबसाइट, जो ये वेबसाइट मैं दिखा रहा हूं, अभी थोड़ा सा नेट इशू होगा तो नहीं चल रहा है, आ गया, ठीक है, यहाँ पे आप live.parikshaplus.org पे जाके यहां से भी आप वेबसाइट के थ्रू जुड़ सकते हो, लैपटॉप वगैरह में भी चल जाएगी। और यहीं पे आपके क्या मिल जाएंगे, यहीं पे आपके सारे बैचेस मिल जाएंगे। तो अगर आप कोर्सेस में जाओगे, पेड कोर्सेस में जाओगे, आपको रेलवे का सारे का, जैसे RRB ALP का ये पोस्ट आपको दिख रहा है, ये कोर्स आपको दिख रहा है 1599 का है, मात्र 499 में आपको मिल जाएगा। और इसमें सारी चीजें अभी क्या हो गई हैं, चलने भी लग गई हैं, 5 तारीख से प्रॉपर इसकी क्लासेस चलेंगी। और यही आपका ALP प्री प्लस मींस प्लस यहां पे आपका क्या लिख जाएगा, टेक्नीशियन लिख जाएगा। आपको अतिरिक्त कोई भी पैसा जमा करने की जरूरत नहीं है, मतलब 499 में आपका CBT 1 CBT 2 और आपका टेक्नीशियन सारे के सारे ही क्या हो जाएंगे, एक ही बैच में आपको मिल जाएगा 499 रुपए में। तो देर मत करिए, अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्लासेस आपकी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। टीम परीक्षा प्लस में सारे जो इंजीनियर्स हैं, मैं खुद आपको बता दूं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं, आपको रीजनिंग जो पढ़ाएंगे वो सर खुद ही आपके इंजीनियर हैं, और आपको जो साइंस पढ़ा रहे हैं वो खुद ही MSc फिजिक्स हैं। तो जाहिर सी बात है आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि एक इंजीनियरिंग टीम के अंतर्गत आपकी ये पूरी रेलवे की तैयारी टेक्नीशियन और ALP वाली होने वाली है, और साथ में जब ग्रुप डी वगैरह आएगी तो उसके लिए भी पूरी टीम आपके लिए पूरी मदद करेगी। तो बिल्कुल ना ही कोई क्वालिटी से कंप्रोमाइज है, ये बात आप सभी को पता है। टीम परीक्षा प्लस मिनिमम प्राइस में मैक्सिमम क्वालिटी देने वाली टीम है, सबसे कम समय में सबसे ज्यादा ग्रो करने वाली टीम है। फिर मिलेंगे दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। धन्यवाद सभी का।